सो हेलो एवरीवन गाइस, सो आई एम बैक। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और आज के व्लॉग में आपको देख सकते हैं, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ और मैं जो है वो कूड़ा समेट के और डस्टबिन में डाल रही हैं, देख ही सकते हो। और गाइस अभी इतना ज़्यादा फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा लगा इधर ज़्यादा, अगर जैसे बाहर आते हैं ना 6:30 बजे, तो अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा कूल मिलते। भाई सब रेडी हो गए, वैन का वेट कर रहे हैं, अभी वैन नहीं आई है। यही वैन है शायद जो गई है रात, ये आएगी अभी वापस। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रा, सो नवरात्रि आर सो प्रीशियस एंड स्पेशल फॉर मी, आपको पता ही है, क्योंकि ये है मेरी माता रानी के दिन। और सबसे ज़्यादा हम लोग, हमारे जो ईष्ट है वो माता है, कालका माता है, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हम लोग ये करते हैं, सभी करते हैं। तो सबको जय माता दी। और आज मैं अपनी काली मंदिर भी जाऊंगी, जो खिचड़ीपुर वाला काली मंदिर है, जो मोस्टली मैं हर सैटरडे जहाँ जाती थी, तो आज वहाँ भी जाऊंगी क्योंकि फर्स्ट नवरात्रा है, तो मेरा मन नहीं मान रहा। पास में भी है मंदिर, पर मेरी हैबिट है वहाँ जाने के लिए, मेरा वहीं दिल कर रहा है जाने का, ठीक है। तो वहाँ जाके वहाँ का ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी। और सुबह सुबह गाइस मॉर्निंग में इतना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है ना, बता नहीं सकती। यहाँ बाहर हमारे आंगन में इतना ठंडा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे रहो, जैसे एक गांव वाली फीलिंग नहीं आती है, वो फीलिंग आ रही है यहाँ पेड़ वगैरह के नीचे ना, इतना अच्छा लग रहा है। और मस्त हवा आ रही है ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो स्कूल जाने के लिए भाई साहब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मस्त लग रहा है। अब इसका जो ये कल बहुत ज़्यादा ढीली थी, अब ये थोड़ी फिटिंग करवा दी है, तो अब जाके ठीक लग रही है। बेल्ट बांधी तूने? बेल्ट हाँ, ये देखो, हाँ सीधी बांध। केंद्र दल वॉरियर्स बिना पेंट बेल्ट के। हाँ चलो अभी इधर आप घूम ले जब तक वैन आ रही है। सो गाइस मिलते हैं, सफाई करके नहा धो के रेडी होके पूजा करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। सो फ्रेंड्स जय माता दी, पूजा डन हो चुकी है और आज है फर्स्ट नवरात्रा, आपको पता ही है। पूजा कंप्लीट हो चुकी है और पूजा करने के बाद इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, मन कर रहा है सो जाऊँ, ठीक है। और अभी मंदिर भी जाना है, काली मंदिर। और ये यहाँ पत्ते लेके आए हैं, तो आम के हैं, केले के, सॉरी आम के पत्ते लेके आए हैं, तो बंधनवार बना रहे हैं। और पूजा कंप्लीट हो गई है, सो आज मंदिर भी जाना है। काफ़ी जब से शिफ्ट हुई हूँ तो मैं अपने काली मंदिर नहीं गई, जो मैं खिचड़ीपुर वाले जनरली काली मंदिर जाती थी, तो अब अपना नियम बनाना है भाई, वो नहीं छोड़ना, क्योंकि वो वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सीरियसली। तो अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आएंगे, उसके बाद पियेंगे चाय वाय। और भैया ये भाई जो ये मैंने माता को भोग लगाया था, क्या नाम है, संतरे का, तो इसने अपने आप वहाँ से उठा लिया और चुप बैठ गया यहाँ आके। और कोशिश करेंगे कि 9 डेज़ में अगर पॉसिबल हो पाया तो कहीं घूमने भी निकलेंगे मंदिर वगैरह, क्योंकि मेरा मन है। काफ़ी टाइम से मैं छतरपुर मंदिर भी नहीं गई हूँ। छतरपुर मंदिर पहले हमारे घर से पास पड़ता था ना, मेरे मायके से, तो हर नवरात्रों में हमें लेके जाते थे पापा मम्मी, और बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, सीरियसली। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ डेफिनेटली तो मैं ज़रूर जाऊँगी कालका जी, या वहाँ जाऊँगी मैं, और फिर आपको भी दिखाऊँगी वहाँ के व्लॉग्स, ठीक है। सो नवरात्रे में बढ़िया तरीके से पूजा करिए, अच्छे अच्छे सा मेकअप करिए, माता को भी मेकअप कराइए और खुद भी करिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे लगो और आपके दिन जितने भी हैं सब अच्छे हों, शुभ हों, बस ये कहना चाहती हूँ। जय माता दी, मिलते हैं मंदिर में। इस मंदिर में मैं आ चुकी हूँ और माता इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, आप देखिए। कालका माई की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल जयकारा मेरी श्री गुरु माँ कालका का, बोल साचे दरबार की जय, बोल नौ दुर्गों की जय, हर हर महादेव की जय। लग रही है ना सुंदर माता, बहुत अच्छी लग रही है। जय माता की, जय मैया रानी। इधर देखिए, इधर महादेव जी हैं,
ठाकुर महाराज हैं, ये श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। और ये भाई साहब हैं, ये घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाओ बजाओ ही देखो, लेकिन इनसे घंटी नहीं बज पा रही है। छोटी लिया बेटा, छोटी लिया, मैं लगा देती हूँ, लिया इसे हटाओ बाबू को। और ये कर रहे हैं यहाँ पे उसी मजाक, घंटी बजाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत देर से, तुम्हें नहीं पता, खूब क्राउड हो रहा है आज मंदिर में, अच्छा लग रहा है। महादेव है, देवातिदेव महादेव, सदैव प्रणाम आपको, भोलेनाथ शिव शंकर, बहुत सुंदर लगते हैं। महादेव की ये मूर्ति बहुत ही प्यारी है। यहाँ विष्णु भगवान है, सत्यनारायण भगवान। सो एक्चुअली मैं जब से शादी हुई है ना, तब से मतलब इधर ही आती हूँ। मंदिर तो देखो सारे सेम होते हैं, भगवान हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन हैबिट मेरे को यहीं की है आने की, स्टार्टिंग से ही। तो नवरात्रों में तो पूरे 9 दिन मैं सुबह यहाँ दिया जलाने आती थी, पर यह है कि अब घर थोड़ा दूर हो गया है, तो देखो कैसे क्या करना है। बट मैंने कहा वहाँ पास में भी मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था, बट मैंने कहा आज यहीं चलते हैं, मेरा मन नहीं माना, क्योंकि यहीं आती हूँ मैं स्टार्टिंग से, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इधर आके। और अक्षित गया है स्कूल। हाँ जी, क्या बात है, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? और ये दोनों पापा बेटा सेम सेम हो रहे हैं, देखो येल्लो येल्लो डर्टी कलर। तो आप दर्शन कर लीजिए, जो मंदिर नहीं जा पा रहा है वो यहीं से दर्शन कर लो मैया रानी के, बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर आके। मंदिर से वापस आ गए हैं, और मंदिर से वापस आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बाहर आने वाले ज़्यादा सूट होते हैं, अगर हम घर में काम करते हैं जैसे, तो वो बहुत सारे स्पॉट्स लग जाते हैं, फिर वो साफ़ नहीं होते, तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब बढ़िया गर्मा गर्म टी, ये देखिए मस्त टी बन रही है मलाई मार के। वैसे मलाई मार के होता क्या है ये बताओ, बताओ ज़रा कमेंट करके, होता क्या है मलाई मार के, मलाई को मार के भाई कैसे बनाई जाएगी चाय, होता है। सो जिसको नहीं है, सो यू कैन कम विद मी, यू कैन ज्वाइन विद अस, अगर आपको चाय पीनी है तो आ जाइए। फ्रेंड्स थोड़ा सा आराम कर लिया, पता नहीं क्यों आज फर्स्ट व्रत है ना, तो थोड़ा सा सर भारी हो रहा था, जबकि मैं इतने ज़्यादा फास्ट रखती हूँ आप मानोगे, मुझे पता नहीं चलता, मंडे का फास्ट, वीरवार का फास्ट, थर्सडे का, मंडे का, सब रखती रहती हूँ। बट आज ये नवरात्रों का फास्ट फर्स्ट डे है, थोड़ा हैवी लग रहा है, भूख नहीं लग रही बट सर घूम रहा है पता नहीं क्यों। तो अभी जस्ट मैंने लस्सी पी है ठंडी ठंडी, और आज इनकी छुट्टी है, हस्बैंड की फर्स्ट और थर्ड सैटरडे इनकी छुट्टी होती है ऑफिस की, बेचारे ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भी लगे हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे मोटर फिट करवानी है, तो मोटर फिट लिए यहाँ से पाइपलाइन देनी, मतलब पाइपलाइन ढूंढना है यहाँ से कि कहाँ से आ रही है। तो जो प्लम्बर है उसने बोला यहाँ का सारा ये शेड वेड खोल के खाली कर दो, तभी मैं ढूंढ पाऊँगा। और ये तभी से लगे हुए हैं देखो गर्मी में बेचारे। तो बस यही है, अपने घर का काम है हमें ही करना है, बट बड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। सारा शेड खोला है इन्होंने एक एक करके, यहाँ का शेड खोल के इन्होंने यहाँ पे डबल शेड में फिट कर दिया, यहाँ पे जाके यहाँ डबल शेड में फिट कर दिया इन्होंने। और ये अब यहाँ पर हैं, कर रहे हैं काम। और भाई साहब स्कूल से आ चुके हैं। हाँ जी, कैसा डे था आज स्कूल में? एकदम मस्त, मस्त डे था। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज असेंबली हुई थी। अच्छा। तो सर ने बोला हाँ, कॉन्गो कौन बजा सकता है, और हाँ, हाँ, तो मैंने बोला सर मैं बजाऊंगा। हाँ, तो मैंने बजाया था फिर कॉन्गो। हाँ, तो आपको पता ही है फ्रेंड्स की ढोलक तबला, तबला एक्चुअली अभी पुराने घर में पड़ा हुआ है, मैं लेके आने वाली हूँ। तो तबला ढोलक कॉन्गो पियानो ये सब ये बजा लेता है, और ये सारा इसको गॉड गिफ्टेड है, हमने नहीं सिखाया इसको, अपने आप मतलब जब ये एकदम छोटू सा था ना तब से इसको शौक है, और इसके हाथ तभी से चलते हैं अपने। तो आज इसने असेंबली में कॉन्गो बजाया है, वेरी गुड। अब आगे क्लास टीचर जो हैं आपके उनसे बोलना सर छोटी सी क्लिप वीडियो बना के मम्मा को सेंड कर दो, हमें अपने व्लॉग में ऐड करना है, तो वो कर देंगे। तो तेरे जो असेंबली में तू बजा रहा है तो हम अपने गाइस को भी दिखाएंगे कि कैसे बजा रहा है तू, ठीक है। तो आज फाइनली क्या खाया कैंटीन से? तो गाइस आज आज
मैंने कैंटीन में खाए कड़ी चावल। तेज बोल थोड़ा। 10 रुपीज के कड़ी चावल। 10 रुपीज के? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता है। इतने सारे तो पूरा पतीला भर लाता ना घर के लिए। हमारा तो व्रत है, तू खाता रहता। एक प्लेट पूरी टेस्टी थी। हाँ, बहुत टेस्टी थी। मतलब अगर बाय चांस कभी लेट हो जाए, वैसे तो मैं प्रॉपर इसे लंच देती हूँ, बट कि ये पीछे पड़ा हुआ था कई दिनों से कि कैंटीन जाना है, तो इसीलिए आज मैंने इसको 10 रुपीज दे दिए थे। एप्पल वगैरह दे दिया था, मैंने कहा चल जा तू अभी ये खा ले। एप्पल नहीं खाया, अब ये शाम को एप्पल खाएगा वरना घूंसे लात पड़ेगी इसके। पेट भर गया तो मेरा एप्पल। अच्छा, एप्पल से तेरा पेट भर रहा था, कड़ी चावल से नहीं भर रहा था? तो मैंने खा लिया। अच्छा, अब ना वेट कम कर ले अपना, बता रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा हो गया। और आप क्या कर रहे हो? डांस करो, डांस। यार क्या है, मैं सोच रही थी छुट्टी में तुम कहीं घुमाने ले जाओगे मंदिर अंदिर, और ये ड्रामा घर का काम ही नहीं निपट पाते हैं। एक तो मुझे कालका जी मंदिर जाना है, एक मुझे छतरपुर मंदिर जाना है। सुनो, ये लगे पड़े हैं काम में, छुटका अंदर सो रहा है, उसे सुला दिया है डरा डरा के मैंने। मन का कवाड़ी वाला ले जाएगा वरना तुझे, तो वो सो गया है। मैं भी अंदर जाती हूँ, और आज शाम को आपके साथ हम शेयर करेंगे व्रत की रेसिपी के, मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सो गई थी, सो के उठ गई हूँ। वैसे व्रत में मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, हेडेक हो गया था, तो पता नहीं किस वजह से हो गया था, क्यों हुआ, कुछ रीज़न पता नहीं चला। जबकि व्रत मैं इतने ज़्यादा रखती हूँ कि मेरे को हैबिट है व्रत रखने की, ठीक है, और पता नहीं क्या हो गया था, फिर मुझे मजबूरन पैरासिटामोल खानी पड़ी, फिर मैंने हाथ जोड़ के खा लिए पैरासिटामोल, अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाती, वरना पूरा सर घूम रहा था। और अब बना रहे हैं चाय। चाय में अदरक और लौंग डाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लौंग का, ठीक है। और साथ देखिए, हमारी एक दीदी है, बहुत अच्छी हैं वो दीदी, उन्होंने हमारे लिए चिप्स भेजे हैं, वो खिचड़ीपुर में ही रहते हैं, तो ये देखिए अच्छी चिप्स भेजी हैं उन्होंने, ये देखिए। तो उन्हें पता था कि हम लोग 9 फास्ट पूरे रखते हैं, तो बेचारी ने बना दी थी हमारे लिए, देखो कितनी अच्छी चिप्स, होममेड चिप्स बना के दिए, ये देखिए। तो अब हम लोग तो नमक एक ही बार खाते हैं, तो हम तो शाम को ही खाएंगे, थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, बच्चे टेस्ट कर लेंगे। और ये देखो कितनी बढ़िया है होममेड चिप्स, तो अब मैं ये फ्राई करने जा रही हूँ बच्चों के लिए। और बस आज का डे थोड़ा सा ना, आज का डे था थोड़ा ऐसे ही था, क्योंकि सर दर्द हो रहा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं लग रही हूँ व्रत का खाना बनाने में, आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कुट्टू बाहर से नहीं खरीदते हैं, हम कुट्टू का जो सीड होता है ना, सीड ही होता है ना, कुट्टू का दाना खरीद के घर में पीसते हैं, और फिर उससे आगे पूरियां वगैरह बनाते हैं, तो मैं आपको भी पीस के दिखाऊंगी कि कैसा होता है। फ्रेंड्स, कितने मस्त व्रत वाले चिप्स फ्राई हुए हैं, ये देखिए, लेकिन हम अभी खाएंगे नहीं, हम शाम को खाएंगे, कि शाम में ही खाते हैं। तो दीदी, थैंक यू सो मच, अगर आप हमारा व्लॉग देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करी, थैंक यू सो मच। के फ्रेंड्स मिल चुके हैं, और हमारे ब्लॉक में जो ये स्पेस है अंदर की तरफ, वहाँ पर ये खेल रहे हैं बच्चे, इसके फ्रेंड्स मिल गए हैं दोनों के। धीरे धीरे, जोर से नहीं भागना, देखिए। कार्तिक, सो गाइस, डांस हो रहा है यहाँ पे शिवल्ली, ये देखिए सारे सारे के लोग कर रहे हैं एक साथ, सारे एक साथ करो जरा, करो वाले। कबाड़ी वाला चिल्ला रहा है, करो साथ में, करो सारे, आप भी करो बाबू, ओम
देख रहे हो आप कितने मजे से कर रहे हैं सारे लोग। शिवल्ली ये देखिए फ्रेंड्स, जो कुट्टू काला काला मार्केट में मिलता है ना, हम वो नहीं लेते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो आटा। ये हम प्योर कुट्टू के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो लेके आते हैं। देखिए, और इसको मैं अभी आपको पीस के दिखाऊंगी। घर में ग्राइंड करती हूँ मैं इसको, और आटा इतना वाइट निकलता है इसका, वो वाला कुट्टू तो पता नहीं कैसा होता है। देखो मैं अभी करती हूँ, आपको दिखाती हूँ पीस के, और इतनी टेस्टी बनती है, इतनी सफ़ेद फाइन बनती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स कितना अच्छा पीस के ये आटा तैयार हो रहा है, देखिए कहीं से भी काला लग रहा है ये आपको, हैं? और मार्केट में पता नहीं क्या डालते हैं वो, क्या नहीं डालते, इतना काला हो जाता है आटा। और ये बन के भी पूरियां मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत बढ़िया बनती है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कुट्टू का आटा है जो पिस के तैयार हुआ है। देखिए लग रहा है काला कहीं से, या जो हम वो बाहर का खरीदते हैं कितना काला होता है वो, ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या कालक सी डाल दी है। और अब इसकी पूरियां मैं बनाऊंगी, और आप देखना कितनी अच्छी पूरियां इसकी लगेंगी बन। फ्रेंड्स अब मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ अमृत वाली, तो मैंने टमाटर जीरा हींग से डाल छोंक दिया है टमाटर। कई लोग टमाटर खाते हैं व्रत में, कई लोग नहीं खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं व्रत में, टमाटर भी खा लेते हैं। व्रत का नमक डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी इसमें, दैट्स इट। और हरी धनिया, और यहाँ पे आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। मम्मा मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया करा आपने। और बस अब ये भून रहा है अच्छे से, अब अच्छे से ये हो जाए, इसके बाद इसमें आलू डालती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि टाइम हो रहा है, 7:30 हो गए हैं। आज सर दर्द था इस वजह से मैं नहीं उठी थी, तो थोड़ा काम लेट हो गया। खुशखबरी और है कि जो हम परेशान हो रहे थे कि मोटर में टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा, पानी नहीं चढ़ रहा, फाइनली टंकी में पानी चढ़ गया है। एक्चुअली उसमें पता नहीं क्या हो गया था, कुछ फंस गया था वो, जो टंकी से पानी नीचे आता है, तो प्लम्बर भैया ने आके ठीक कराया, तो अब जाके चढ़ा है पानी, तो मुझे राहत मिली है। तो गाइस अभी मम्मी का पूजा का टाइम हो गया, आपको पूरा साबुन साबुन कर दिया, पूरा साबुन साबुन कर दिया इधर, और देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। हथौड़ी से साबुन तोल लो, आपका सर नहीं फोड़ दूंगा थोड़ी से, हैं? चलो अब चलो मंदिर में चले, आ जाओ चलो मंदिर में, चलो गाइस चलते हैं मंदिर, लंका चलते हैं। गाइस आ गए हैं मंदिर में, महेश की जय, बोल नौ दुर्गों की जय, बोल नौ दुर्गों की जय, श्री माता लंका के दरबार की जय। फ्रेंड्स यहां पे देखिए ये कुत्तों की पूड़ियां बन रही है, और ये ना मतलब ऐसे तो बनती नहीं है, हाथ से ना बिलती हैं ये, तो ये पन्नी को बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा इनके शेप आड़े के लिए बन रही है, पर खाने में बहुत स्वाद लगती है। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताइए जो बाहर का कुट्टू आटा हम लाते हैं उसकी क्या इतनी, बताइए बनती है क्या, जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं कुट्टू, उसकी ऐसी पूरियां कहाँ बनती हैं, उसकी इतनी ज़्यादा काली पूरियां बनती है, पता नहीं हम काला काला क्या खा रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लाएं और घर में पीसें और अपने सामने पीस के बनाएं। और कई बार ये भी आया ना कि कुट्टू में मिलावट आई है, कई लोग कुट्टू खाने से बीमार पड़ गए थे, तो तब से हम लोग यही लाते हैं और हम लोग यही बनाते हैं। और सब्जी भी दिखा देती हूँ, मस्त सब्जी बन के तैयार हुई है, देखिए व्रत की, अगर आपको खानी है सो यू कैन कम विद अस। तो गाइस देखिए अभी पापा जी लगा रहे हैं भोग मंदिर में, आप देख सकते हैं माता जी को भोग लगा रहे हैं, और ये माता को भोग लगने जा रहा है। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, वो पांच का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग, एंड अपने फैमिली मेंबर के साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, एंड मस्ट वॉच आवर ब्लॉग्स, बाय।